शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नागपुर स्टेशन से श्रमिक ट्रेन और स्पेशल ट्रेन चल रही है, ऐसे में कई यात्री आउटर पर उतरते हैं और नागपुर स्टेशन पर सीसीटीवी है लेकिन आउटर पर सीसीटीवी नहीं है, जिसके चलते असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में ड्रोन की रहेगी पैनी नज़र। पेश है हमारे संवाददाता संजय मिरे की रिपोर्ट। नागपुर के मध्य रेल में नागपुर स्टेशन से श्रमिक ट्रेनें और स्पेशल ट्रेनें चल रही है, ऐसे में कई यात्री आउटर पर ही उतरते रहते हैं। नागपुर स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे भी है लेकिन आउटर पर सीसीटीवी नहीं है, जिसके चलते असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाना काफी हद तक आरपीएफ को मुश्किल हो रहा है। ऐसे में हर आउटर पर ड्रोन के माध्यम से पूरी निगरानी रखने के लिए मंडल सुरक्षा आयुक्त आशुतोष पांडे इन्होंने ये पहल की है, जिसके चलते आप बहुत जल्द असामाजिक तत्वों पर और आउटर पर उतरने वाले ऐसे यात्रियों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। रेल देश की संपत्ति है और इस संपत्ति को कोई भी बाधाएं या नुकसान न पहुंचे, इसके लिए पूरी तरह से मंडल सुरक्षा आयुक्त आरपीएफ के आशुतोष पांडे अपने दलबल के साथ काफी अच्छा कामकाज कर रहे हैं। इस विषय को लेकर जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने इस विषय पर रोशनी डाली। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अभी हमारे यहाँ जो कोरोना की गतिविधियाँ चल रही हैं, आपने देखा होगा कि हमने अपने रेलवे परिक्षेत्र को सेफ बनाने के लिए स्टेशन पे कमर्शियल विभाग ने और आरपीएफ ने सहयोग से आत्मा सिस्टम लगाया है, जहाँ पे ऑनलाइन टिकट चेकिंग करके ही यात्री प्लेटफॉर्म पे जा सकता है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम अपने जितने भी यात्री हैं उनको थॉरो चेकिंग करके तभी प्लेटफॉर्म पे जाएं। एक समस्या जो अक्सर आती है, जो अभी इस समय नहीं है क्योंकि ट्रेन्स ऑपरेशन नहीं है, स्पेशल ट्रेन्स चल रही हैं, वो होती है कि लोग आउटर पे उतरते हैं, आउटर पे लोग चढ़ते हैं, कई बार कंप्लेंट्स भी आती हैं हॉकिंग बेंडिंग की। तो इससे निपटने के लिए हम जो है ड्रोन सर्वेलेंस यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि स्टेशन पे हमारे सीसीटीवी कैमराज होते हैं लेकिन स्टेशन आउटर्स में हमारे पास सीसीटीवी कैमराज नहीं है और ना ही कोई माध्यम होती है, या तो हमें 24 घंटे आदमी डिप्लॉय करने पड़ते हैं। तो मैन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए ये थिंकिंग है कि हम दोनों स्टेशन के आउटर पे और 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक, जिससे हमारा यार्ड भी कवर होता है नागपुर स्टेशन में, हम ड्रोन सर्वेलेंस का यूज़ करेंगे। सर, कुछ डब्ल्यूटी लोग भी बहुत आते जाते रहते हैं, उनके ऊपर में जो पैनी नज़र रखना चाहिए वो नहीं होती है, और जहाँ लोहा पुल जो होता है नागपुर का, तो वहीं से गाड़ी की जो गति जो उसकी धीमी होती है, ऐसे में लोग बाहर निकल के वहीं से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। यात्री लोग क्या कहना चाहोगे, काफ़ी सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी खतरनाक हो, तो क्या सख्त कदम उठाओगे? जी देखिए, चलती गाड़ी से उतरना ये अपने आप में एक कानून अपराध है, पटरी को क्रॉस करना ये भी कानून अपराध है, और जैसा कि मैंने बताया कि अभी ट्रेन ऑपरेशंस नहीं है, हम सिर्फ श्रमिक ट्रेन और स्पेशल ट्रेन्स ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये समस्या फ़िलहाल अभी नहीं है, बट आगे की परिस्थिति को देखते हुए कि जब फुल ट्रेन ऑपरेशंस हम धीरे धीरे सुचारू रूप से चालू करेंगे, तो इस चीज़ को हम ड्रोन के माध्यम से कैद करना चाहेंगे, और जो भी ऐसे लोग रहेंगे उन पे हम रियल टाइम उनको अरेस्ट करके प्रोसिक्यूट करेंगे, ताकि एक सुचारू व्यवस्था लागू की जा सके एक्सेस कंट्रोल से। तो आशुतोष पांडे साहब ने जिस प्रकार से ये जो जानकारी दी, अब वो दिन दूर नहीं जो इस प्रकार के असामाजिक तत्व जो हुड़दंग मचाते हुए पटरी पर नजर आएंगे, अब उन्हें आरपीएफ के जवान धर दबोचेंगे। इतने ही नहीं तो पैनी नजर रखते हुए आरपीएफ द्वारा ड्रोन कैमरे के माध्यम से सब गतिविधियों पे जो एक नज़र रखी जाएंगी, जिससे शहर के और ट्रेन में सफर करने वाले यात्री पूरी तरह से महफूज होंगे, क्योंकि सुरक्षा बल यानी आरपीएफ एक ऐसा दल बल है जो यात्रियों के साथ साथ कर्मचारियों की और पूरे देश के लोगों की सुरक्षा का जिम्मा उनका है, और बखूबी के साथ नागपुर शहर को ये उठाने का कामकाज इस समय में जो डिविजनल कमिश्नर है आशुतोष पांडे साहब इनके मार्गदर्शन में हो रहा है, ये काफ़ी अच्छी आरपीएफ और तमाम यात्रियों के लिए ये बात है। नागपुर के आरपीएफ कार्यालय से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।